मैं संदीप सिंह, मैं स्टार्टअप गवर्नमेंट आई डी कार। आज का जो अपना टॉपिक है लेथ मशीन, तो आज जो हमें लेथ मशीन के बारे में पढ़ेंगे, लेथ मशीन का इतिहास, लेथ मशीन का आविष्कार, लेथ मशीन का वर्गीकरण वगैरह, जो भी जो है लेथ मशीन के बारे में आज का टॉपिक होगा हमारा लेथ मशीन। लेथ मशीन जैसा कि सर्वविदित है, आरंभ काल से मनुष्य जो है गोल वस्तु का ज्यादा प्रयोग करता रहा है। प्रकृति ने भी हमें जो है ज्यादातर चीजें गोल रूप में प्रदान की हैं, जैसे सूर्य, धरती, मानव के जो अंग हैं, काफी सारी ऐसी चीजें हम देखते हैं जिनका दैनिक तौर पर उपयोग भी करते हैं। ज्यादातर चीजें जो है हमारे को गोल रूप में जो है प्राप्त हुई है। इसीलिए जो है मनुष्य ने आदिकाल से ही गोलाकार वस्तुएं जब उपयोग करना शुरू किया, तो उनको बनाने की जो आवश्यकता पड़ी, उसे आवश्यकता को पूरा करने के लिए ही जो है लेथ मशीन का आविष्कार हुआ। और कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, इसलिए लेथ मशीन को सभी मशीनों की जननी कहा जाता है। सर्वप्रथम मनुष्य किसी गोल पेड़ के तने को दोनों गिली पट्टियों के बीच में बांध के उसके ऊपर रस्सी से तीन या चार बल डालकर एक लचकदार टहनी से एक सिरे को बांध के दूसरे हाथ से उसे रस्सी को खींचता और छोड़ता था, जिससे वो गोल तना या लट्ठा जो है घूमता रहता था और दूसरे हाथ के द्वारा जो है एक स्थिर आधार के ऊपर टूल को टिकाकर उस लट्ठे को छीलने का काम करता था। इसी कड़ी में जो है गोल ताने को या गोल लट्ठे को छीलने के लिए जो है उसके बांधने के तरीके को मॉडिफाई किया, और अंग्रेजी में जो है लट्ठे या तने को जो है लथ कहा जाता है। इसी लथ शब्द की वजह से जो है लेथ मशीन लेथ का आविष्कार हुआ और इसका मशीन का जो नाम है लेथ मशीन रखा गया। सबसे पहले सन 1700 ईस्वी में हेनरी माउंटले नामक एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने मशीन का आविष्कार किया। उसमें जो है किसी लट्ठे को या गोल तने को जो है दो सेंटर्स के बीच में बांध कर जो है काटा जाने लगा। इसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आविष्कार होता हुआ, टेक्नोलॉजी जो है होती गई, इसी तरह जो है इसमें भी मॉडिफाई होता है। और सन 1800 ईस्वी में न्यू एम नामक वैज्ञानिक ने इसके अंदर मॉडिफिकेशन किया, चेंज किया, और चेंज करने के बाद जो है उसने 3 मीटर फेस प्लेट वाली जो है एक लेथ मशीन का आविष्कार किया। और माउंट्सले लेथ के नाम से जो है इस लेथ को जाना गया, और आज भी माउंट्सले लेथ जो है हमारी सभी वर्कशॉप में एक उच्च स्थान पर विद्यमान है। और काफी सारे कार्य जो है स्वचालित मशीन आने के बाद भी काफी सारे कार्य जो है लेथ मशीन के ऊपर ही किए जाते हैं, और शायद ही कोई ऐसा कार्य हो जो लेथ मशीन के ऊपर पूरा ना किया जा सके। तो ये जो है लेथ मशीन का इतिहास था हमारा, तो लेथ मशीन का आविष्कार जो है किसने किया, कहाँ से हुआ, किस तरह से जो है लेथ की संपूर्ण उत्पत्ति हुई लेथ मशीन का जो है आविष्कार। इसके बाद जो है लेथ मशीन का कार्य सिद्धांत, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लेथ मशीन, लेथ मशीन का कार्य सिद्धांत। भाई जैसा कि हमारे को इसके इतिहास के पढ़ने से मालूम हुआ कि भाई लेथ मशीन का प्रयोग जो है गोलाकार चीजें बनाने के लिए ज्यादा किया जाता है, इसलिए लेथ मशीन का जो कार्य सिद्धांत है वो किसी गोल कार्य या जाप को घुमाना और उस घूमते हुए गोलाकार जाप को जो है काटकर इच्छित टूल द्वारा काटकर इच्छित आकार प्रदान करना ही लेथ मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल यानी कि कार्य सिद्धांत। इसमें किसी गोल या जाप को जो है दो सेंटर के मध्य बांधकर विभिन्न चालों के ऊपर चलाया जाता है और टूल द्वारा काटकर उसको
इच्छित आकार प्रदान किया जाता है। टूल को जो चाल रेत के पेड़ के समान अंदर देते हुए या फिर कोने के ऊपर देते हुए या फिर जो है समकोण पर देते हुए जो है इस तरह से किसी जाल या कार्य को काट छाट कर इच्छित आकार प्रदान किया जाता है। इसके बाद रेत मशीन के प्रकार हैं। रेत मशीन की जो है संरचना और डिजाइन के हिसाब से वैसे तो मशीनें जो है एक जैसी होती हैं, एक जैसा कार्य होता है रेत मशीन का, लेकिन फिर भी जो है संरचना और डिजाइन के हिसाब से जो रेत मशीन को जो है चार भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लेथ मशीन। तो क्लासिफिकेशन आपने देखा होगा, इससे मिलता जुलता एक वर्ड और भी है जिसको स्पेसिफिकेशन कहा जाता है। क्लासिफिकेशन और स्पेसिफिकेशन में जो है अंतर होता है। क्लासिफिकेशन जो है किसी चीज को वर्गीकृत करना, भागों में बांटना। दूसरी तरफ जो स्पेसिफिकेशन होता है कि किसी चीज को जब हम मार्केट से लेके आते हैं, नया मंगवाते हैं, तो उसको स्पेसिफाई करना होता है ताकि शॉपकीपर को हम ये बता सकें कि हम जो है किस टाइप की चीज जो है खरीदना चाहते हैं। उनसे कोई भी चीज खरीदते हैं, मशीन के अलावा भी आपके जो निजी उपयोग में जो वस्तुएं रहते हैं वो भी सारी चीजें जो खरीदते हैं हम उसको बताते हैं इस कंपनी की इस साइज की, इस डिजाइन की, इस रंग की जो है ये चीज होनी चाहिए, वो जो है उस चीज को स्पेसिफाई करना होता है, विशिष्टीकरण होता है। दूसरी तरफ बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन होता है वर्गीकरण, किसी चीज को वर्गों में बांटना। तो लेथ मशीन को जो है इसका जो क्लासिफिकेशन है लेथ मशीन का चार भागों में किया गया है। नंबर एक स्पीड लेथ, नंबर दो सेंटर लेथ, नंबर तीन प्रोडक्शन लेथ, नंबर चार सफेद प्रोडक्शन। तो सबसे पहले जो है स्पीड लेथ। स्पीड लेथ जो है जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है, स्पीड लेथ जो है ज्यादा स्पीड के ऊपर चलाई जा सकती थी। जब स्टार्ट में सबसे पहले जब लेथ मशीन का आविष्कार हुआ तो सबसे पहले जो है स्पीड लेथ भी बनाई गई, और स्पीड लेथ के अंदर जो है पार्ट्स जो है बहुत कम मात्रा में होते थे, और इस मशीन को जो है उच्च गतियों के ऊपर 1236 आरपीएम के ऊपर जो है चलाकर इस हिसाब को काटा जा सकता था। और इतनी उच्च गति की वजह से जो है इस मशीन का नाम जो है स्पीड लेथ पड़ा। इसके बाद दूसरा जो है सेंटर लेथ, जो कि एक महत्वपूर्ण वर्ग है हमारी लेथ मशीन का, और जो हम देखते हैं वर्कशॉप के अंदर, किसी कंपनी के अंदर या किसी छोटी दुकान के अंदर जो है जो रेत प्रयोग होती है ज्यादातर तौर पर जो है हमारी सेंटर लेथ होती है, और इसीलिए जो है सेंटर लेथ को जो है सुधरावा रूप कहा जाता है। जो हमारे लेथ उसका सुधरावा रूप है, और जहाँ से सुधार हुआ था वहां से अब तक जो है सेंटर लेथ को इधर विभिन्न रूपों के तौर पर जो है प्रयोग किया जाता है। सेंटर लेथ के भी जो है अनेक भाग बनाए गए हैं, तो इनमें से कुछ मेन है। नंबर एक हैंड लेथ, यानी कि हस्त चालित लेथ। नंबर दो पग चालित लेथ, ट्रेडल लेथ। नंबर तीन बेंच लेथ। नंबर चार टूल रूम लेथ। नंबर पांच जो है नंबर एक हैंड लेथ, दूसरे ट्रेडल या बेंच लेथ, ट्रेडल लेथ, तीसरे जो है बेंच लेथ, नंबर चार टूल रूम लेथ, और नंबर पांच जो है इंजन लेथ। तो इस तरह से जो है सेंटर लेथ को जो है पांच भागों में वर्गीकृत किया गया है। काफी सारे भागों में वर्गीकृत किया गया है, लेकिन जो है पांच मेन भाग है, इन पांच भागों में जो है इसको बांटा गया है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला जो है हैंड लेथ, इसके नाम से ही पता चलता है कि जब आदिकाल में लेथ का आविष्कार हुआ, उसके बाद जो है स्पीड लेथ हमारे पास आई, इसके बाद जो सेंटर लेथ का आविष्कार हुआ, तो सेंटर लेथ में सबसे पहले जो है हैंड लेथ बनाई गई, क्योंकि उष्मा संचालन के जो साधन कम थे उस टाइम हमारे पास,
तो इसलिए जो है हैंडमेल का उपयोग किया जाता था। हाथ की मशीन जो है छोटी होती थी, छोटे ऑपरेशन पार्ट्स बनाने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता था, और इसको जो है चलाने के लिए हाथ के द्वारा चलाया जाता था। तो एक हाथ से जो है कारीगर इसको घुमाता रहता था और दूसरे हाथ से जो है टूल को पकड़कर उस कार्य या जात को काटने का कार्य करता था। जिस तरह से देखते हैं हम सिलाई मशीन होती है, घर पे सिलाई मशीन को चलाते रहते हैं, एक हाथ से चलाते रहते हैं, दूसरे हाथ से जो है जो भी हमें काम करना होता है वो काम करते रहते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत आती थी कि कारीगर जो है एक हाथ से चलाता और दूसरे हाथ से जो है टूल को पकड़ता था, तो टूल को चलाने में जो है दिक्कत महसूस होती थी, और इसी चीज को जो है मॉडिफाई किया गया और पंचालित या ट्रेडल लेथ जो है आविष्कार किया गया। और ट्रेडल लेथ के अंदर जो है ऐसा प्रावधान किया गया कि उसको जो है हाथों के साथ साथ पैरों से गति दी जा सके। और ट्रेडल लेथ के अंदर फिर जो है जिस तरह से दर्जी रखते हैं हमारे पर जो सिलाई मशीनें होती हैं जिनमें जो है पैरों के द्वारा जो है चाल दी जाती है, तो इस मशीन को भी इसी तरह से जो है पग चालित यानी कि पैरों के द्वारा चाल दी जाती थी, और दोनों कारीगर के दोनों हाथ फ्री होने की वजह से आसानी से टूल को जो है टिकाकर किसी कार्य या जात को काटने छाटने का काम आसानी से और सुगमता से किया जा सकता था। इसके बाद तीसरा जो है बेंच लेथ, बेंच लेथ जो है बेंच के हिसाब से जो है इसका नाम भी है बेंच लेथ, इसे जो है छोटी मशीन होती है ये भी, और इसे जो है बेंच के ऊपर प्रयोग किया जाता है, बेंच के ऊपर फिट करके जो है इसको प्रयोग किया जाता है। छोटी होती है 2500 से 4000 आरपीएम के ऊपर जो है इसको चलाया जा सकता था, और इतने उच्च गति होने की वजह से इसका प्रयोग जो है छोटे और परिशुद्ध पार्ट्स बनाने के लिए ही इसका प्रयोग भी किया जाता था, जैसे कि बर्तन वगैरह की स्टिफनिंग वगैरह के लिए, बाकी सारे कामों में जो है बेंच लेथ का प्रयोग किया जाता था। इसके बाद टूल रूम लेथ, टूल रूम लेथ जो है ये सेंट्रल लेथ का एक अभिन्न अंग है और बहुत ही परिशुद्ध होती है। साइजों में भी जो है इसके लेथ ब्लेड की लंबाई जो है सेंट्रल लेथ की अपेक्षा ज्यादा होती है। इसकी जो चाले हैं वो भी सेंट्रल लेथ में जो है हमारी स्टैंडर्ड जो सेंट्रल लेथ होती है उसकी बजाय टूल रूम लेथ की जो है चाले जो होती हैं वो भी भिन्न भिन्न अलग अलग जो है काफी सारी गतियां होती हैं जिन गतियों पर उसको चलाया जा सकता है, जिन भिन्न भिन्न गतियों पर इसको चलाया जा सकता है। इसके बाद जो है टूल रूम लेथ है ज्यादातर जो है कंपनी के अंदर प्रयोग की जाती है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो होता है किसी फैक्ट्री के अंदर किसी कंपनी के अंदर उसके अंदर जो है टूल रूम लेथ का प्रयोग किया जाता है, और शायद ही कोई ऐसा कार्य हो जो इसके ऊपर ना किया जा सके, कोई पार्ट टूट गया डैमेज हो गया कुछ और उसको सुधारना है तराशना है या कुछ भी करना है तो जो है टूल रूम लेथ के ऊपर आसानी से किया जा सकता है। नंबर पांच जो है इंजन लेथ है, इंजन लेथ जो है सेम मिलता जुलता जो है सेंट्रल लेथ ही है, लेकिन सेंट्रल लेथ जो है अब इसको सेंट्रल लेथ कहा जाता है, पहले जो इसको इंजन लेथ कहा जाता था क्योंकि उष्मा संचालन के साधन कम होने की वजह से उस टाइम हमारे पास जो है इंजन के द्वारा जो है इस लेथ को चलाया जाता था, क्योंकि बिजली की व्यवस्था जो है कम थी और हर जगह बिजली पहुंचाना संभव नहीं था, इस वजह से जो है इंजन लेथ का प्रयोग किया जाता था, इसको चलाने के लिए इंजन से इसको चलाया जाता था। इंजन लेथ के अंदर भी जो है सेम देखने में सेंट्रल लेथ जैसी होती है, वही सारे कार्य जो एक सेंट्रल लेथ के ऊपर किए जाते हैं इंजन लेथ के ऊपर भी किए जाते हैं। इसके बाद जो है तो ये थे हमारे जो है सेंट्रल लेथ के मेन जो भाग थे, सेंट्रल लेथ में जो है ये जो मेन पांच भागों में इसको बांटा गया है, तो सेंट्रल लेथ का पहला हैंड लेथ, दूसरा ट्रेडल या पंचालित लेथ, तीसरा बेंच लेथ, चौथा टूल रूम लेथ, और पांचवा जो है इंजन लेथ। इसके बाद जो है इंजन लेथ को जो है अब सेंट्रल लेथ बोलते हैं हम, लेकिन इसको जो है एसएस या एससी के नाम से जो है जाना जाता है। एसएस जो है सरफेस स्लाइडिंग एंड स्क्रू कटिंग, यानी कि ये एक नाम है इसको जो है, पहले इंजन लेथ बोलते थे, फिर जो है अब जो है सरफेस स्लाइडिंग एंड स्क्रू कटिंग, या फिर जो है सेंट्रल लेथ के नाम से इस वर्ग को जाना जाता है। इसके बाद तीसरा जो है प्रोडक्शन लेथ, प्रोडक्शन लेथ जैसा नाम से ही जो है पता चलता है कि प्रोडक्शन के कार्य के लिए प्रयोग की जाती है, और एक जैसे आकार के बहुतायत मात्रा में जाप बनाने के या कार्य करने के लिए जो है प्रोडक्शन लेथ का प्रयोग किया जाता है। और प्रोडक्शन लेथ को भी जो है दो भागों में बांटा गया है, नंबर एक कैपेसिटर लेथ जो कि हम अपने वर्कशॉप में देख सकते हैं, नंबर दो ट्रट लेथ। इसके बाद जो दूसरा जो भाग है, दूसरे जो भाग में बांटा गया है उसमें एनसी एंड सीएनसी मशीन, एनसी मशीन और सीएनसी मशीन, जैसा पढ़ते हैं हम प्रोडक्शन लेथ जो है इसमें कैपेसिटर और ट्रट लेथ जो है इस श्रेणी में आती हैं, छोटी मशीनें होती हैं और छोटे और एक जैसे कार्यों को अधिक मात्रा में करने के लिए कैपेसिटर और ट्रट लेथ का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर जो है
फिर स्ट्रोक के स्थान पर छह या आठ पैर का एक ट्रट लगा होता है, उस ट्रट के अंदर जो है छह या आठ टूलों को एक साथ बांधा जा सकता है, जिसकी वजह से टाइम की बचत होती है और जिस टूल से भी हमें कार्य करना होता है उसी टूल को जो है पोजिशन दे के जल्दी से कार्य को खत्म किया जा सकता है। तो इसीलिए जो है कंडक्शन ट्रट जो है प्रोडक्शन श्रेणी में रखी गई है। अब जो है संचालित प्रयोग की जाती है जिनमें जो है ट्रट हेड को संचालित फीड दी जा सकती है, लेकिन टेक्नोलॉजी का विस्तार होने की वजह से जो है अब इनकी जगह जो है एनसी और सीएनसी मशीनों में ले ली है। कैपेसिटर ऑपरेट मशीन का काम जो है कम हो गया और उसकी वजह से जो है एनसी और सीएनसी मशीनें ज्यादा आ गई, क्योंकि इन पे जो है किसी भी पार्ट को और जल्दी और सुगमता से बनाया जा सकता है। ऑटोमेटिक मशीनें पूरी तरह से अपने आप जो है संचालित मशीनें हैं, सारा काम अपने आप करती है, यानी कि ऑटोमेटिक तरीके से हर काम करने का कार्य करती है। कारीगर का काम क्या है कि इसके ऊपर जब राड या जाम जो इसके ऊपर बांधा और बांधने के बाद जो उसके अंदर प्रोग्रामिंग कर दी, प्रोग्रामिंग करने के बाद मशीन जो है उसी प्रोग्राम के हिसाब से कन्वर्ट करके सारा कार्य जो है खुद ब खुद करेगी, और खुद करने के बाद जो कार्य कंप्लीट हो जाएगा तो उस कार्य को जो है खत्म करके पार्ट ऑफ करके उस पीस को जो है छोड़ देगी। तो इस तरह से प्रत्येक कार्य जो है एनसी और सीएनसी मशीनों के ऊपर स्वचालित तरीके से किया जाता है, जिसमें कार्य की जो है कम से कम आवश्यकता होती है। इसके बाद नंबर चार जो है स्पेशल पर्पज लेथ। तो स्पेशल पर्पज लेथ के अंदर जो देखते हैं वो किसी स्पेशल पर्पज के लिए, तो नाम है स्पेशल पर्पज, तो स्पेशल पर्पज के लिए जो है जो प्रयोग की जाती है उन्हें स्पेशल पर्पज लेथ कहते हैं। ऐसे सभी कार्य जो स्टैंडर्ड लेथ के ऊपर यानी सेंट्रल लेथ के ऊपर नहीं किए जा सकते, किए तो जा सकते हैं लेकिन करने में जो टाइम अधिक लगता है या फिर हमारे को ज्यादा अटैचमेंट की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से हमारा पैसा और टाइम दोनों खराब होते हैं। इस वजह से जो है स्पेशल पर्पज लेथ का जो आविष्कार किया गया है, स्पेशल पर्पज लेथ के अंदर काफी सारी मशीनें आती है जो किसी स्पेशल कार्य को करने के लिए अलग से एक मशीन बना दी गई। तो इनके अंदर जब हम देखते हैं जैसे व्हील लेथ है, रेलवे के बड़े बड़े पहिए हैं या कोई और व्हील है जो किसी और काम में प्रयोग किए जाते हैं, उन सभी व्हील को टर्न करने के लिए व्हील लेथ बना दी, ताकि हमारे को बार बार जो सेंट्रल लेथ के ऊपर अटैचमेंट ना लगाने पड़े, या फिर छोटी बड़ी जो है बेड की लंबाई ऊंचाई जो है सेंटर हाइट की ऊंचाई उससे जो है स्पेशल पर्पज लेथ का जो है आविष्कार किया गया है। तो स्पेशल पर्पज लेथ में व्हील में जो है व्हील लेथ होगी, कॉपिंग लेथ है, लिविंग लेथ है, रोलर लेथ है जिसके अंदर बड़े बड़े रोलर टर्न किए जाते हैं, कैम लेथ है, कैम सॉफ्ट लेथ है, इस तरह से जो है काफी सारी ऐसी मशीनें हैं जो स्पेशल पर्पज के लिए प्रयोग की जाती हैं और इसी वर्ग में जो है रखी गई है स्पेशल पर्पज के लिए। उन पे वही जो स्पेशल जो है एक मशीन पे एक ही कार्य जो है स्पेशलिटी होती है कि उस मशीन पे वही कार्य आसानी से किया जा सके। तो ये थे हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ यानी कि लेथ मशीन का जो वर्गीकरण था उसको चार भागों में थे हमारा, पहला स्पिन लेथ, दूसरा सेंट्रल लेथ, तीसरा प्रोडक्शन, चौथा जो है स्पेशल पर्पज लेथ, यानी कि चार भागों में जो हिसाब से बांटा गया है। अब हम देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण जो वर्ग है हमारे पास इसमें वो है सेंट्रल लेथ। तो अब हम सेंट्रल लेथ के भागों की बात करते हैं। सेंट्रल लेथ के जो है काफी सारे भाग हैं, काफी सारे पुर्जों को मिला के जो मशीन का डिजाइनिंग या संरचना की गई है मशीन की। तो इसमें जो है देखते हैं पहले, सबसे पहले जो है सेंट्रल लेथ के जो है मुख्य भाग को ले जाते हैं, जिन भागों के बिना जो है इसकी संरचना डिजाइनिंग जो है संभव नहीं है। तो उसमें जो है सबसे पहले जो है देखेंगे हम सेंट्रल लेथ मशीन इसके पार्ट्स। सबसे पहले है बेड, नंबर दो हेड स्टोव, नंबर तीन टेल स्टोव, नंबर चार कैरिज, नंबर पांच जो है लैम। तो जब इसकी पार्ट्स की बात करते हैं, सबसे पहले बेड, दूसरा हेड स्टोव, तीसरा टेल स्टोव, चौथा कैरिज, नंबर पांच में लैम चीज। लेथ मशीन का जो है पहले बताया जैसे कि तो काफी सारे पार्ट्स होते हैं, काफी सारे छोटे बड़े पार्ट्स को मिला के जो एक लेथ मशीन की डिजाइनिंग संरचना की जाती है। तो उसमें मेन पार्ट्स है तो सबसे पहले बेड, यानी कि पार्ट्स के बिना जो है उसकी डिजाइनिंग उसकी संरचना संभव नहीं है। बेस जो है ये तैयार करते हैं सभी पार्ट्स मिलके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेड की। लेथ का जो बेड होता है एक ढाल का जो है खंडों के तौर पर जो है ढाल का बनाया जाता है, और ढालने की वजह से जो है ये क्रॉस ग्रे का स्टैंड का ढलवा लोहे का बना होता है, और ढलवा लोहे का बेड बनाने के लिए जो है सबसे पहले ढलाई करके उसको जो है सीजन किया जाता है। सीजन करने के बाद जो है उसकी मशीनी क्रिया द्वारा जो है उसको बेड की आकृति दे दी जाती है।
सीजनल क्रिया जो है पहले जो है जब टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट नहीं थी उस टाइम सीजनल क्रिया करने के लिए जो है बेड को जो है जो लड़ाई की जाती है उनको सीजन बनाने के लिए भारी वातावरण में जो है लंबे समय के लिए छोड़ दिया जाता था ढलाई करके, ताकि उसके ऊपर से गर्मी सर्दी और बारिश का जो प्रभाव है वो सभी प्रभाव को झेल दे और उसको झेलने के बाद जो है मशीनिंग क्रिया करके जो है उसको बैठ की आकृति या आकार दे दिया जाता था। लेकिन अब जो है सीजन क्रिया जो है काफी सारी ऐसी मशीनें आई है हमारे पास, टेक्नोलॉजी फास्ट है, तो उस वजह से ऐसी मशीनों का आविष्कार हो चुका है तो सीजन क्रिया जो है कुछ दिनों महीनों के बजाय जो है कुछ घंटों में ही पूरी कर ली जाती है और पूरी करने के बाद जो है उसको मशीनिंग क्रिया द्वारा बेड का आकार दिया जाता है। बेड को जो है क्लोज ग्रे कास्ट आयरन से बनाया जाता है। क्लोज ग्रे कास्ट आयरन क्योंकि एक तो सस्ता होता है, आसानी से मिल जाता है, दूसरा इसके अंदर जो है झटके सहने की यानी डक्टिलिटी अच्छी होती है, झटके सहने की क्षमता ज्यादा होती है, ये टूट तो सकता है लेकिन बेंड नहीं होता। इसके बाद जो है इसको मशीनिंग जो है मशीन जो है आसानी से किया जा सकता है, इसीलिए यही काम है कि जो है एक बेड जो है ज्यादातर क्लोज ग्रे कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। बेड जो है मशीन को एक आधार प्रदान करता है, सभी स्थिर अस्थिर भाग जो है बेड के ऊपर ही टिके होते हैं, बेड के ऊपर भी इधर उधर जो है मूव करते हैं। इसके बाद दूसरा जो है हेडस्टॉक, हेडस्टॉक जो है मशीन का एक मुख्य भाग है। हेडस्टॉक जो है जब मशीन में देखते हैं मशीन के सामने खड़े होते हैं तो उसकी लेफ्ट साइड में जो है लेफ्ट हैंड की तरफ जो है एक बॉक्स नुमा जो है बक्सा होता है जो हेडस्टॉक बोला जाता है और उसके अंदर जो है गिरारियों के काफी सारे सेट होते हैं जो गिरारियां जो है एक दूसरे के साथ मैश होके बार लगे लीवर के द्वारा जब हम उनको मैश करते हैं तो एक दूसरे के साथ मैश होके भिन्न भिन्न गतियों पर लेथ को जो है दौड़ाने का काम वो गिरारियां करती हैं। हेडस्टॉक के अंदर से ही देखते हैं उन गिरारियों के बीच से एक स्पैंडल गुजरता है जिसके ऊपर चक या फेस प्लेट वगैरह को चढ़ाकर किसी गाड़ी को बांधने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। तो हेडस्टॉक जो है ये भी कास्ट आयरन का जो है ढलाई करके बनाया जाता है और इसके अंदर काफी सारी गिरारियां होती हैं, उन गिरारियों के द्वारा जो है भिन्न भिन्न चालें जो है हम प्राप्त करते हैं। हेडस्टॉक जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक कॉन्क्रीट टाइप और दूसरा जो है ऑल गियर्ड हेडस्टॉक। कॉन्क्रीट टाइप जो हेडस्टॉक है पहले जो है ज्यादातर मशीनें कॉन्क्रीट टाइप हेडस्टॉक की बनी आती थी, लेकिन कॉन्क्रीट टाइप में जो है तीन या चार पुली की एक पुली तीन या चार स्टेप की कॉन्क्रीट होने की वजह से इसके हानियां थी कि इसको जो है जो चालें जो प्रदान की जाती थी एक तो पट्टे द्वारा प्रदान की जाती थी जो विद्युत मोटर लगी होती थी नीचे बेस में जो है उसके द्वारा जो है पुली को पट्टे के द्वारा यानी कि बेल्ट के द्वारा चाल प्रदान की जाती थी जिससे जो है अधिक लोड के ऊपर प्राय देखने में आता था कि बेल्ट जो है स्लिप कर जाती थी फिसल जाती थी। दूसरा जो है उसके ऊपर तीन या चार स्टेप की पुली होती थी, उन तीन चार स्टेप के अलावा जो है उससे ज्यादा गतियां उसके ऊपर प्राप्त नहीं की जा सकती थी। इस वजह से जो है अब जो मशीनें हैं ज्यादातर ऑल गियर हेडस्टॉक वाली आती हैं जिनके अंदर जो है सारा जो काम है गति प्रदान करने का चलने फिरने का वो सारा काम जो है गिरारियों के द्वारा किया जाता है और बाहर के जो लीवर होते हैं उन लीवरों को जो है सरका के जो इधर उधर सरकाने से गिरारियां एक दूसरे के साथ मैच होकर अधिक चालें प्रदान करती है। दूसरा जो है अधिक लोड से लेती है, अधिक लोड के ऊपर एक अक्षमता से ज्यादा लोड हो जाए तो बेसिक गिरारियां टूट जाएंगी तो एक अधिक बार जो है कॉन्क्रीट टाइप हेडस्टॉक की अपेक्षा ज्यादा बार सह सकती है। तो ये जो है हमारा हेडस्टॉक के लाभ है, ये जो हमारा ऑल गियर हेडस्टॉक अब जो बनाया गया है इसके लाभ है। इसके बाद तीसरा जो है टेलस्टॉक, टेलस्टॉक जो है हेडस्टॉक के विपरीत दिशा में बेड के जो है दाएं तरफ जो है जब हम खड़े होते हैं मशीन पे तो दाएं हाथ की तरफ देखते हैं, ये भी एक ढलाई करके जो है कास्ट आयरन का बनाया जाता है और इसके दो मेन भाग होते हैं, एक नीचे बेस होता है दूसरा जो है पूरी बॉडी होती है, बॉडी में स्पैंडल वगैरह होते हैं उसके पीछे हैंड व्हील लगा होता है जिससे उसके स्पैंडल को चलाने का काम किया जाता है। नीचे जो बेस प्लेट होती है उस बेस प्लेट में जो है नट बोल्ट लगे हुए होते हैं और बेस और बॉडी को जो है लेथ बेड के ऊपर कहीं भी हम अपनी इच्छा अनुसार स्थिर कर सकते हैं और स्थिर करके जो है इसके द्वारा कार्य कर सकते हैं। टेलस्टॉक का जो मुख्य कार्य है किसी भी लंबी या भारी जाल को जो है उसके अंदर सेंटर लगा के उस जाल को सहारा देने के लिए जो है टेलस्टॉक का उपयोग किया जाता है और टेलस्टॉक के अंदर जो सेंटर प्रयोग किया जाता है उसे हमेशा डेड सेंटर होता है। इसके बाद जो है एक भाग है लेज, इसकी जो टांगे होती हैं ये टांगे भी जो है लेथ मशीन का एक महत्वपूर्ण भाग है, उनके बिना जो है इसकी संरचना ही संभव नहीं है। भाई सबसे पहले जो है ढलाई करके जो है कास्ट आयरन की जो है लेज बनी होती हैं, लेकिन आजकल सीट और एंगल की भी लेज बनाई जाती हैं जिससे उनके जो है बीच में बॉक्स नुमा जो खाली जगह छोड़ दी जाती है जिसमें एक तरफ विद्युत मोटर लगी होती है दूसरी तरफ जो है टूल वगैरह रखने के लिए स्थान छोड़ दिया जाता है। इसके बाद जो पांचवा मुख्य भाग है वो है कैरिज, कैरिज जो है ये भी लेथ मशीन का एक मुख्य भाग में आता है क्योंकि कैरिज जो है
टेल स्ट्रोक और हेड स्ट्रोक के अंदर बेड पर जो है इधर से उधर मूव करती रहती है और कैरिज जो है किसी टूल को एक स्थिर आधार प्रदान करती है, क्योंकि कैरिज जो है देखते हैं हम कि दो भागों में बड़ी होती है। इसके ऊपरी भाग को सेडल और नीचे वाले भाग को जो है एप्रिन कहा जाता है, और सेडल वाले भाग के ऊपरी जो है उसके ऊपर क्रॉस स्लाइड के ऊपर कंपाउंड स्लाइड और कंपाउंड स्लाइड के ऊपर जो है टूल पोस्ट लगा होता है, जिसके अंदर जो है टूल को बांधने का कार्य किया जाता है। टूल पोस्ट जो होता है, टूल पोस्ट के अंदर जो है इसी टूल को जो है बांधा जाता है, और बांधने के बाद जो है कोई टूल जो है जो आपको काटने छीलने का काम करता रहता है, और कैरिज जो है बेड के ऊपर इधर उधर उसे जो है मूव करने में हमारी सहायता करती है। इसके बाद जो है ये थे हमारे लेथ मशीन के पांच जो मुख्य भाग, यानी कि मेन जो भाग है लेथ मशीन जो है। सबसे पहले जब लेथ मशीन की बात होती है तो इन्हीं भागों का जिक्र सबसे पहले किया जाता है। इसके बाद काफी सारे पार्ट है, इसके अंदर बात करें लीड स्क्रू नंबर 7, फीड रॉड रे है, स्टेनलेस गार्ड, यानी काफी सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो लेथ मशीन के जो है काफी सारे पार्ट हैं और भी हैं जो हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं। उसमें एक लीड स्क्रू है, लीड स्क्रू भी जो है लेथ मशीन में जो है मुख्य कार्य है। लीड स्क्रू के बिना जो हम किसी भी लेथ के ऊपर जो है चूड़ी नहीं काट सकते। लीड स्क्रू जो है निकल स्ट्रिप की एक लंबी छड़ होती है जो कैरिज के नीचे वाले भाग यानी अपर एंड से होकर गुजर के हेड स्ट्रोक की तरफ जो लगी गिरारियों जो उसके सिरे के ऊपर जो है गिरारियां फिक्स की गई होती है, और दूसरा जो सिरा है वो सामने वाले बियरिंग के अंदर जो है फ्री घूमता जाता है। तो लीड स्क्रू जो है निकल स्ट्रिप की एक लंबी छड़ होती है, इसके अंदर जो है कई बार की वे भी काटी गई होती है जो फीड रॉड का काम भी करती है। जिन मशीनों में फीड रॉड अलग से नहीं दी गई होती, और इसके ऊपर जो है एक में चूड़ी कटी होती है, और लीड स्क्रू के द्वारा जो है पावर ट्रांसमिट करके जो है चूड़ी काटने का कार्य किया जाता है। अगर लीड स्क्रू किसी मशीन के ऊपर नहीं है तो हम उस मशीन के ऊपर जो है चूड़ियां नहीं काट सकते। बाकी सारे वो कार्य जो है लेथ मशीन के ऊपर जो हम कर सकते हैं वो आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ क्या है लीड स्क्रू हमारी जो है लेथ मशीन के ऊपर चूड़ियां काटने में हमारी सहायता करते हैं। इसके बाद जो है फीड रॉड है, फीड रॉड ये जो है निकल स्ट्रिप की बड़ी एक लंबी छड़ होती है, और सभी मशीनों में जो है लीड स्क्रू के ऊपर या नीचे जो है फिक्स की गई होती है। फीड रॉड का जो मुख्य कार्य है वो क्या है कि संचालित चाल प्रदान करना, कैरिज को जो है या क्रॉस स्लाइड को जो है संचालित चाल प्रदान करने के लिए जो है फीड रॉड का प्रयोग किया जाता है। किसी मशीन में फीड रॉड नहीं होती तो उसमें जो है लीड स्क्रू में एक जो है कीवे काट दी जाती है जो कि फीड रॉड का कार्य भी करती है। इसके बाद नंबर 8 पे जो ट्रे है हमारी, ट्रे जो है लेग और बेड के बीच में जो है एक सीट की बनी हुई जो है ट्रे होती है। जो ट्रे जो है मशीन के ऊपर जो बुरादा काटते हैं, जो लोग जुकान होते हैं जो कटे हुआ लोहा जो होता है वो जो गिरता रहता है उस सीट के अंदर गिरता है, ट्रे के अंदर गिरता रहता है, उस ट्रे में इकट्ठा होता रहता है ताकि हम उसको जो है भरने के ऊपर पश्चात जो उसको आसानी से खाली कर सकें। इसके बाद नंबर 9 पे स्प्लेस गार्ड, काफी सारी मशीनों में हमने देखा है कि सामने की तरफ जो है गार्ड्स लगे होते हैं, यानी ये भी सीट के लोहे के जो है गार्ड्स कवर बने होते हैं ताकि जो है कटे हुए चिप्स बुरादा वगैरह या कूलेंट वगैरह जो है इधर उधर ना गिरे, और वो जो है आसानी से ट्रे में इकट्ठा होता है, ट्रे से इकट्ठा होकर दोबारा से कूलेंट पंप के द्वारा ऊपर आता रहे, और इस तरह से हमारा कटाई का जो सर्कुलेशन है वो चलता रहे। तो ये थे हमारे सेंट्रल लेथ के मेन भाग जो है मेन पार्ट्स में जो है बेड, हेड स्ट्रोक, टेल स्ट्रोक, कैरिज, लेग्स, लीड स्क्रू, फीड रॉड, ट्रे, स्प्लेस गार्ड। हमने पढ़ा इनके बारे में क्या क्या होते हैं, किस धातु के बड़े होते हैं, क्या क्या इनका काम होता है। इसके बाद जो है लेथ मशीन के ऊपर जो है कटाई की बात होती है, हमने जो है लेथ मशीन के बारे में जाना, उसको जो है कितने भागों में वर्गीकृत किया गया, उसके भागों के बाद में जो उसके पार्ट्स के बारे में जाना, यानी कि लेथ के बारे में हमने जो है जो समझ सकते थे वो हमने जो है समझे उसके बारे में। इसके बाद जो है समझने के बाद जो है उसके कार्य की बात आती है कि लेथ मशीन के ऊपर कार्य किस हिसाब से किया जाता है। तो कार्य के अंदर हम देखते हैं तो सबसे पहले जो कटाई की बात आती है तो लेथ मशीन के ऊपर जो है दो प्रकार की कटाई की जा सकती है, एक ओब्लिक कटिंग और दूसरा जो है ऑर्थोगोनल कटिंग। तो नंबर 1 जो है ओब्लिक कटिंग, ओब्लिक कटिंग, नंबर 2 ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल कटिंग। पहले बात करें हम ओब्लिक कटिंग की, तो ओब्लिक कटिंग जो है किसी भी लेथ मशीन के अक्ष के समानांतर टूल को बांधकर उसके समानांतर चलाते हुए प्लेन टर्निंग या फिर जो है टेपर टर्निंग या बेलना काटे में टेपर टर्निंग जो की जाती है ओब्लिक कटिंग के अंदर आती है। ऑर्थोगोनल कटिंग जो है इसके अंदर जो है कम धातु काटते हुए जो है सरफेस को फिनिश करने की जो क्रिया हम करते हैं वो जो है ऑर्थोगोनल कटिंग के अंदर आता है।
इसके बाद जो है लेथ मशीन के कार्य, लेथ मशीन के ऊपर जो है काफी सारे कार्य किए जा सकते हैं, जिनके अंदर जो है सबसे पहले प्लेन टर्निंग होती है, स्टेप टर्निंग होती है, टेपर टर्निंग होती है, फेसिंग होती है, ड्रिलिंग है, रिमिंग है, बोरिंग है, थ्रेडिंग है, इस तरह से काफी सारे कार्य हम देखते हैं, पार्टिंग ऑफ है, ग्रूविंग है, यानी कि काफी सारे ऐसे कार्य हैं, नर्निंग है, जो है लेथ मशीन के ऊपर किए जा सकते हैं। लेथ मशीन के कार्यों की हम बात करते हैं तो जो टर्नर के अंदर जो हमारा मेन जो काम है वो जो है लेथ मशीन के ऊपर चूड़ी काटना है। अगर चूड़ी काटनी अगर आ जाती है तो सुनो के लेथ मशीन के ऊपर जो है ज्यादातर काम हम सीख जाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा काम होता है थ्रेडिंग का होता है। थ्रेड के बारे में जो है आगे पूरा टॉपिक दिया गया है, और थ्रेड की हम बात करें थ्रेड के बारे में जो है थ्रेड छह प्रकार की थ्रेड बताई गई है, उसमें से जो मेन होती है सबसे पहले डिफरेंट वर्ब्स ऑन लेथ मशीन, लेथ मशीन के ऊपर केंद्रित जाने वाले जो कार्य होते हैं उनमें जो है एक मेन है थ्रेडिंग। थ्रेड जो है छह प्रकार के थ्रेड का जिक्र किया गया है, जिसमें वी थ्रेड, नंबर दो स्क्वायर थ्रेड, नंबर तीन एक्मे थ्रेड, नंबर चार वर्म थ्रेड और नंबर पांच बटर थ्रेड और नंबर छह जो है नकल थ्रेड। तो ये छह प्रकार की जो थ्रेड बताई गई हैं, थ्रेड के लिए जो है अलग से टॉपिक है, इसमें जो है अगला जो टॉपिक होगा हमारा देखेंगे कि अलग से जो चैप्टर बनाया गया उसके अंदर हम जो है थ्रेडिंग के बारे में पढ़ेंगे, और अगला जो टॉपिक होगा अपना थ्रेड के बारे में होगा, उसके अंदर जो सभी थ्रेड के बारे में जो बताया जाएगा कि थ्रेड जो है किस प्रकार की थ्रेड जो है कहाँ किस तरीके से उपयोग की जाती है। ये था हमारा आज का जो है लेथ मशीन का उसकी हिस्ट्री, लेथ मशीन का जो वर्गीकरण भी क्या क्या किस तरह वर्गीकरण किया जाता है, उसके भागों के नाम और इसके जो है क्या क्या कार्य जो लेथ मशीन के ऊपर किए जा सकते हैं।